अब देखो ये, अब मुझे आप चेक करो कि मैं अपने आप को पानी में लिटा दूं तो रिलैक्स पोजीशन में यूं एक घंटा दो घंटा मैं यूं लेटा रह सकता हूं, थकूंगा भी नहीं, सही है जी। अगर मैंने सीधा होकर करना है तो सीधी होकर मैंने पोजीशन ऐसे साइकिल की तरह करनी है फ्लोटिंग, तो ये मैं हाथ ये पानी में ये प्रेस किया, नीचे ये प्रेस किया, नीचे पाऊँ ऐसे साइकिल की तरह मैंने चलाते रहना। ठीक है ठीक है, अगर यूँ खड़ा हो तो अभी गहराई कम है इसलिए मैं बता नहीं सकता, वरना साइकिल की तरह यूँ पाऊँ नीचे चलाते रहना। तो आप जी हाँ, तो ये चीज़ है कि और स्विमिंग देखो आप जो कर रहे हो इसमें अगर फ्री स्टाइल नहीं आपको आता है ठीक है, तो नॉर्मल से अंदाज में आप सामने आओ, मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे देखना, मेरे हाथों गौर से देखना, मुशक्कत में नहीं आसानी से, ठीक आसानी से देखो, थकना नहीं है, मुँह बाहर भी निकाला हुआ आपने तो आप आराम आराम से हाथ चला रहे हो ठीक है जी। तो थकन में तो अच्छा। आप जल्दी थक जाएंगे, बहुत थक जाओगे अभी ये देखो, देखो दोबारा देखो मुझे आप देखो, अब पाँव चलाने का सबको मैं बताता हूँ, मेरी वीडियो में मौजूद है जी। आज मुझे ठंड लग रही है जी जी, मैं आपके असरार में जी जी आप कहने पे आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल नहीं था आने का, तो अब मैंने बोला आने का, पानी में उतरने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने बोला अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो देखो वीडियो में भी मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ जी जी। आप चला रहा सीखिए, हाथ ना चलाएं, पाँव सिर्फ चलाएंगे ना जी, सिर्फ पाँव चलाएंगे, आप मूव करेंगे देखो, पाँव देखो मेरे हाथ ये रहे, मैं सिर्फ पाँव चला रहा हूँ देख रहे हो जी जी, तो सिर्फ पाँव चलाने से आप पानी में रह सकते हो, बात समझ रहे हो जी। ये बेसिक चीजें जो भी देखो, जो भी डाइविंग का, फ्री डाइविंग का, स्पेयर फिशिंग का शौक रखता है तो वो बिल्कुल नाड़ी तो मेरे पास नहीं सीख सकेगा ना, सही, स्विमिंग उसे आनी चाहिए, आगे मैं उसे इंशाल्लाह फ्री डाइव और डाइव तक भी कराऊंगा, डाइविंग भी कराऊंगा, लेकिन अगर तो बेसिक ही ना जानता हो तो आपको स्विमिंग की बेसिक ज़रूरी है, तो मैंने बताया कि मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था जी जी, आपकी खातिर पानी में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया, और आप ये मेरे जो YouTube मेरे वीडियो देखते हैं स्विमिंग की क्लासों की, देखें अभी कुहाट में मैंने, मेरी बेटी है 10 साल की, मैंने उसे फ्लोटिंग सिखाई हुई है, कि खुदा न ख्वास्ता आपके साथ पानी में कोई मसला हो जाए, आप अपने आप को पानी में किस तरह ठहराना है जी, उससे छोड़ वो 5 क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी, मेरे भाई का बेटा अरहम वो वीडियो में साथ मौजूद है, वो 3 क्लास में पढ़ता है जी, उसको भी मैंने फ्लोटिंग सिखाई है, और मैं कहूँगा जिसको मेरी वीडियो फजूल लगती है और मेरा ये पानी में आना इस ठंड में उतरना फजूल लग रहा है, तो खुदारा ये मैंने पहले बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और अभी देखें जब आई हुई है अभिषेक आई हुई है, मर जाना उसी वक्त, लेकिन आप अपनी तैयारी करें, अपनी कोशिश करें, इंसान के साथ क्या वाक़ियात हो सकते हैं, अभी हमारे पिछले ये सीज़न में बारिशों में सैलाब आए हैं जी जी जी, कितने मामला हुए अभी क्वाड में जो लेकिन स्विमिंग तैराकी सीखने के लिए आए आप, मतलब सिर्फ सैर तो फ्री के लिए नहीं आए, ऐसे इंजॉय मतलब ऐसे लज्जत के लिए नहीं आए, कोई मछेरे हैं उनको आना की इजाज़त है, स्विमिंग के लिए आने की इजाज़त है, नेवी वाले जो आ सकते हैं, मुजाहिद आ सकते हैं, तो आप स्विमिंग की नीयत से सीखें, तो मकसद सिर्फ मेरा ये है कि सिखाने का कि आपको बेसिक आनी चाहिए, मेरी कोशिश होती है आपको सिखाए सिखाया जाए, तो मैंने अब आपको जो है आपको बताता हूँ जो जो चीज़ें बताऊँगा वो आपने करनी है ठीक है ठीक। तो मेरे अपने देखने वालों को भी ये कहना है मेरा कि भाई अपने अपने बच्चों को जो है ये स्विमिंग सिखाएं, थोड़ी सी वाकफियत होनी चाहिए यार, वो तख्ता तो पकड़ ले
कम से कम इतना पानी को जाने जी कि वो अगर खुदा न खास्ता वो कोई तख्ते बोर्ड का तो तख्ता ही पकड़ ले, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है वो नीचे जा रहा है। बिल्कुल, वो देख आराम से डूब रहे, तो वो डूबना नहीं है उसको, पता नहीं है कि मैंने हाथ मारना है, इस तरह मैंने अपने आप को ठहराना है, करना है भाई किसी मदद के लिए चीख मारे जी। वो चीख नहीं मारे उसको, वो किस तरह चीख मारेगा? सही, वो उड़ उड़ कर रहा है। थोड़ा सा कोई एक दो मिनट भी जो है ना अपने आप को पानी में ठहराने की उसकी प्रैक्टिस हो, एक मिनट तो वो चीख मारेगा बचाओ बचाओ चीख मारेगा, कोई सुन लेगा शायद, कोई सुन ले। तो इतना जानो, अपने बच्चों को ट्रेन करो, किसी को मौका मिलता है, किसी के पास घर में स्विमिंग पूल है, किसी के आसपास कोई सहूलत मौजूद है तो करो। आज उज़ैर भाई ने मुझे कहा है, इनके इसरार पे मैं आया हूँ। बिल्कुल, पहले मैंने कई क्लासें कराई हैं और मैं रोजाना आता हूँ, एक बंदे के लिए भी आता रहा हूँ जी, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा तो फिर मैं अकेला आके यहाँ पर। सही, अब आपके लिए अकेला आज फिर आया हूँ, बहुत ज्यादा इसरार किया, बिल्कुल मेरे लिए, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने बोला यार दिलचस्पी नहीं ले रहे लोग तो मेरा आने का क्या फायदा, समझ रहे कि यूट्यूब से वीडियो डाल के यूट्यूब से इसने कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब में वीडियोज देखे, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट काम है, मेरे ट्राले हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए महीने का कमाता हूँ, सिर्फ 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया मैं महीने का सिन सेल टैक्स भरता हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साल का जो है ना मेरा जो टैक्स जाता है सिन को और वफाक को, वो 40-50 लाख रुपया मैं भरता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे यहाँ यूट्यूब से क्या कमाना है मैंने? सही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला है, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग आएँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, बाकी उज़ैर भाई की मैं कुछ टिप एक दो क्लिप डालता हूँ कि कैसे कर रहे हैं स्विमिंग। ठीक है जी।